Morning dear students, how are you all? Today we are going to start the poem Olympic Granny written by Ken Nesbitt. Dear students, I have told you in the video about the poet of the poem. Olympic Granny is an account of the sports which the grandmother granny took part in, जिसमें ग्रैनी ने टुक पार्ट लिया है उन सभी स्पोर्ट्स के बारे में है ये जो ओलंपिक ग्रैनी पोम है. डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक योर बुक्स विद यू बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू डू नॉट हैव योर बुक. सो प्लीज़ टेक योर बुक. इफ़ यू डू नॉट हैव परचेज योर बुक, परचेज योर बुक्स एज सून एज पॉसिबल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोम. व्हेन ग्रैंडमा गोज फॉर गोल्ड In the Olympic Games this year, she'll laugh at her competitors and make them quack with fear. जब grandma Olympic Games में जाती है, Olympic Game, what is Olympic Games? Olympic Games is a set of games जो कि हर चार साल बाद आयोजन होता है, जिनका games का ऐसा set है जिनका आयोजन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हर चार साल के अंतराल पर होता है, हर एक चार साल बाद होता है. ओके, तो ओलंपिक गेम्स में पार्ट लेने जाती है ग्रैंडमा, तो वो बिल्कुल डैम श्योर है, इतनी कॉन्फिडेंट है दैट शी इज़ गोइंग टू विन गोल्ड मेडल. और वो अपने कंपटीटर्स होता है प्रतिद्वंद्वी, अपने प्रतिद्वंद्वी जो भी इसके कंपटीटर्स होते हैं उन पर हंसती है, और उसकी हंसी से जो उसके प्रतिद्वंद्वी होते हैं दे क्वैक विद फियर, वो डर के मारे कांपने लगते हैं कि ग्रैनी में तो इस उम्र में ही, इस उम्र में भी इतना जोश और जज्बा है. एंड शी ओनली शी इज़ गोइंग टू विन द गोल्ड मेडल इन द गेम्स. ओके, कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं बेटे? सपोज यू एंड योर फ्रेंड और एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास और फ्रॉम द स्कूल टुक पार्ट इन द सेम, you both take part in the same sport and you both want to win. So in this case you both are the competitors of each other. आप भी आप उसको हराना चाहते हो, वो आपको हराना चाहेगा, आप दोनों ही गोल्ड मेडल जीतना चाहोगे. So you both are the competitors. आप दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो जाते हो. Okay, is it clear? तो जब ग्रैंडमा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती है तो वो डैम श्योर है दैट शी इज़ गोइंग टू विन द गोल्ड मेडल, कि वो ही गोल्ड मेडल जीतने वाली है. और वो अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने प्रतिद्वंद्वी पर हंसती है जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और इससे उसके प्रतिद्वंद्वी जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं दे क्वैक विद फियर, वे सारे डर के मारे कांपने लगते हैं. शी इज़ 99 ईयर्स ओल्ड. वो कितने साल की है? लगभग 99 साल की है. बट इन एथलेटिक्स शी इज़ बीन ब्लेस्ड. वो 99 साल की है लेकिन एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स क्या होता है बेटा? एथलेटिक्स होता है ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, जो सारे स्पोर्ट्स होते हैं वो, लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, वॉकिंग, ये जो भी ये करता है वो एथलीट माना जाता है. ओके, और ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं लाइक जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, वॉकिंग, ये सारे एथलेटिक्स में आते हैं. ओके, जो तो ग्रैंड मदर है वो एक बहुत अच्छी एथलीट है, सारे इन ग्रुप में, सारे स्पोर्ट्स में बहुत बेस्ट है, इस वो एथलेटिक्स में बेस्ट है. लाइक शी इज़ बेस्ट इन रनिंग, शी इज़ बेस्ट इन जंपिंग, शी इज़ बेस्ट इन थ्रोइंग एंड शी इज़ बेस्ट इन वॉकिंग टू. शी इज़ बीन ब्लेस्ड, मतलब ये सारे उसको बहुत अच्छे से आते हैं. द ट्रबल इज शी कांट डिसाइड विच स्पोर्ट शी प्लेज बेस्ट. लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है उसके साथ कि वो डिसाइड नहीं कर सकती कि वो उसे किस स्पोर्ट में, कौन सा स्पोर्ट वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो वो सबसे अच्छा खेलती है. फॉर एन एग्जाम्पल, शी इज सच एन एस एट आर्चरी. आर्चरी क्या होता है? आर्चरी होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्चरी?